हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन जो कि एक्चुअली पार्ट टू है एक वीडियो का। अगर आपने पार्ट वन देख लिया है तो वेलकम बैक, और अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो आई विल सजेस्ट कि आप उसका पार्ट वन देख लें। टाइटल है वीडियो का, व्हाट इफ़ इंडिया एंड पाकिस्तान नेवर सेपरेटेड। जो पार्ट वन है उसमें व्हाट इफ़ के बाद की बात नहीं की गई, बट सेपरेट क्यों हुआ और पार्टीशन किस वजह से हुई, क्यों उसको रोका कैसे जा सकता था, इस पे बात हुई थी। सो आप वो देख सकते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि मैंने कभी सुने ना देखे थे, पहली बार वो मुझे पता चले। खैर, रिमेनिंग पार्ट देख के फिर इस पे बात करते हैं। ध्रुव राठी का ये वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस केस में एक ऑल्टरनेट सिनेरियो भी हो सकता है, जिन्ना की मौत के बाद शायद से कम्युनल राइट्स देश भर में देखने को मिलते और लोगों के बीच में बंटवारा और बढ़ जाता। लेकिन तीसरा सिनेरियो सबसे शोर शॉट सिनेरियो है मेरी राय में, जो सही मायनों में पार्टीशन को रोक सकता। साल 1945 में सत्ता बदलती है ब्रिटेन में, विंस्टन चर्चिल नीचे उतर जाते हैं प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से और नए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि लेबर पार्टी इंपीरियलिज्म के खिलाफ होती है और क्लेमेंट एटली इंडिया के पार्टीशन के खिलाफ होते हैं। ये कोई इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है, एक्चुअली में ऐसा होता है। उन्होंने अपनी कोशिश करी थी पार्टीशन को होने से रोकने की, लेकिन वो काफी लेट हो गए थे एक्शन लेने में। अगर ब्रिटेन में लेबर पार्टी पहले पावर में आ जाती या फिर अगर प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली जल्दी से एक्शन लेते इंडिया में हो रही कम्युनल टेंशंस को रोकने के लिए, तो यहाँ पर पार्टीशन को अवॉइड किया जा सकता था। ऐसा करने के लिए उन्हें सबसे पहली चीज करनी थी रिजर्व्ड इलेक्टोरेट्स की पॉलिसी को वापस लेना, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज लाना, इंडिया में हर एडल्ट को वोटिंग का अधिकार देना। अगर ऐसा होता, सारी जनता वोट कर पाती, तो शायद मुस्लिम लीग को भारी हार का सामना करना पड़ता 1946 की इलेक्शंस में। जिन्ना जब डायरेक्ट एक्शन की अनाउंसमेंट करते तो पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती, जेल में डालती और दंगों को होने से रोक सकती। ब्रिटिश इंडिया की सरकार प्रॉम्प्ट एक्शन अगर लेती हेट स्पीच के खिलाफ लॉज इंप्लीमेंट करने में और कम्युनल एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने में, तो फॉर श्योर पार्टीशन को अवॉइड किया जा सकता था। ऐसा करने से जब साल 1947 में ब्रिटिश देश को छोड़कर जाते तो हमें मिलता एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक यूनाइटेड इंडिया का देश। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड इंडिया एक सेक्युलर देश होता, क्योंकि कांग्रेस ने कभी सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सबसे पहला एडवांटेज तो बड़ा क्लियर होता, करीब 2 करोड़ लोग डिस्प्लेस हुए पार्टीशन की वजह से, कितने लाखों परिवारों का बंटवारा हो गया, 2 से 20 लाख डेथ्स एस्टिमेट करी जाती हैं पार्टीशन के वक्त, इन सब लोगों की जाने बच जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो दशकों से चली आ रही कम्युनल टेंशन्स थी हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, वो अचानक से खत्म हो जाएंगी। देश के नए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक नई तरीके की चुनौती सामने होती, अलग अलग धर्मों के लोगों को साथ में यूनाइट करना। आज के दिन इंडिया में 78% पॉपुलेशन हिंदू है और 14% मुस्लिम्स है, लेकिन यूनाइटेड इंडिया में डेमोग्राफिक्स होते 62% हिंदूज और 32% मुस्लिम्स। ओवरऑल देश की पॉपुलेशन होती 176 करोड़, बड़े ही आराम से दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री। शुरुआती कुछ साल बड़े इंपॉर्टेंट होते, लोगों के बीच में एक दूसरे को लेकर जो डर था उसे खत्म करना है। ये सिर्फ दिखावे वाली चीजों से करना इम्पॉसिबल होता। यहाँ पर सिंगापुर में जैसे एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी लागू करी गई थी, वैसे ही किसी पॉलिसी की जरूरत पड़ती यूनाइटेड इंडिया में हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए। सरकारी मकानों में, सरकारी सोसाइटीज में परसेंटेज सेट करी जाए कि इतने से ज्यादा हिंदू या नहीं हो सकते, इतने परसेंटेज से ज्यादा मुस्लिम्स या नहीं हो सकते, ताकि अलग अलग घेटोज ना बने शहरों में। इस चीज को वैसे मैंने डिटेल में सिंगापुर वाले वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी कारण की वजह से यूनाइटेड रख पाना देश को पॉसिबल ना हो पाता तो फ्यूचर और भी ज्यादा भयंकर होता। इसका एक बड़ा एग्जांपल है यूगोस्लाविया जैसा देश, जो बट गया अलग अलग टुकड़ों में, क्योंकि अलग अलग एथनिसिटीज को साथ में जोड़कर रख नहीं पाया वो। लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिव चीज अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं पंडित नेहरू सक्सेसफुल रहे देश को यूनाइटेड रखने में, लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ा और लोग शांति से रहने लगे। इसका अगला बड़ा इम्पैक्ट दिखता ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर। बांग्लादेश बनाए जाने के पीछे एक बड़ा कारण था, जो अत्याचार पाकिस्तान में बैठी सरकार कर रही थी बंगाली लोगों के ऊपर। इम्पोजिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर था इसमें, कि जबरदस्ती उर्दू बुलवाई जा रही है बंगाल में रहने वाले लोगों से। यूनाइटेड इंडिया में ऐसा होता नहीं तो बांग्लादेश बनने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, और एक बार फिर से कितने लाखों लोगों की जान बच जाती ऐसे सिनेरियो में।
आज के दिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो इलीगल इमिग्रेशन देखने को मिलती है बांग्लादेश से, वो भी नहीं होती क्योंकि सब एक ही देश होता, एक और कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब क्योंकि यूनाइटेड इंडिया और भी ज्यादा डाइवर्स देश होता आज के दिन के इंडिया के कंपैरिजन में, तो जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है अलग अलग रीजन्स के बीच में, वो आज के दिन की तरह इंग्लिश ही रहती। इनफैक्ट इंग्लिश की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती क्योंकि उर्दू और बंगाली लोगों की पॉपुलेशन भी ज्यादा होती। हिंदी लैंग्वेज की डोमिनेशन यूनाइटेड इंडिया में और कम होती। अब यूनाइटेड इंडिया का जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता, क्योंकि बात क्या है दोस्तों, 1970s का समय था कोल्ड वॉर का। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चलने लग रही थी जिसमें बाकी सारे देश धकेले जा रहे थे। पाकिस्तान एक प्रॉक्सी की तरह बनता है अमेरिका का। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश था और अफगानिस्तान में हथियार पहुंचाने के लिए एंटी सोवियत फाइटर्स को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू हथियार भिजवाए। इसकी वजह से इवेंचुअली जाकर तालिबान का जन्म हुआ। अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट के लिए वहां पर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट किया। अब लेकिन पाकिस्तान की जगह अगर यूनाइटेड इंडिया का देश होता, ज्यादा बड़ा देश होता, ज्यादा ताकतवर देश होता, और इतनी बड़ी कोल्ड वॉर में इतने बड़े देश के लिए न्यूट्रल रहना आसान रहता। इंडिया भी इनफैक्ट काफी हद तक न्यूट्रल ही था कोल्ड वॉर में। तो होता क्या कि अमेरिका के पास कोई जरिया नहीं बचता अफगानिस्तान में हथियार पहुंचाने का, तो शायद तालिबान का कभी जन्म ही ना हुआ होता। तालिबान की हिस्ट्री में अगर आप वैसे इंटरेस्टेड हैं तो इस पर भी मैंने पूरे वीडियोस बनाए हैं दो, इनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब अगर तालिबान का भी जन्म ना हुआ होता और पाकिस्तान का कोई देश ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो रीजनल टेंशन हमें देखने को मिलती है, आतंकवादी संगठन जो हमें देखने को मिलते हैं, वो भी एग्जिस्ट नहीं करते। हो सकता है अफगानिस्तान एक काफी बड़ा एलाय बन जाता यूनाइटेड इंडिया का। ऐसे केस में रीजनल जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो कश्मीर का पूरा मुद्दा ही खत्म हो जाता। 1980s वो समय था जहां पर हमें टेररिज्म का राइज देखने को मिला कश्मीर के रीजन में। पाकिस्तान का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है। कश्मीरी पंडित का एक एक्सोडस हुआ, उन्हें अपने घर छोड़कर जाने पड़े। आज के दिन तक भी कश्मीरी पंडित स्ट्राइक पर बैठे हैं अपने राइट्स डिमांड करने के लिए। कश्मीरी मुस्लिम्स 30 सालों से टेररिज्म की शैडो के अंदर जी रहे हैं। अभी रिसेंट ट्वीट देखिए कश्मीर की पुलिस का, 31 दिसंबर को किया गया आतंकवादियों के द्वारा 29 सिविलियंस मारे गए साल 2022 में, जिनमें से 21 लोकल लोग थे, 6 हिंदू, 3 कश्मीरी पंडित और 15 मुस्लिम। हर महीने ऑलमोस्ट एक टेररिस्ट अटैक देखने को मिलता है और ये सब अवॉइड किया जा सकता। इसी के साथ साथ दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बीच में 4 वॉर्स लड़ी गई हैं, 1947, 1965, 1971, 1999, सब अवॉइड की जा सकती। हजारों लाखों लोग जो इन वॉर्स में मारे गए वो बच सकते हैं। इसका एक और नतीजा ये कि भारी एक्सपेंडिचर जो दोनों देशों के द्वारा किया जाता है डिफेंस पर, वहां से करोड़ों पैसे भी बचते। जून 2022 में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने 1.52 लाख करोड़ रुपीज एलोकेट किए डिफेंस पर। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने दूसरी तरफ बताया कि 2022-23 का डिफेंस बजट है इंडिया का 5.25 लाख करोड़ रुपीज, ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ रुपए एक ही साल में बच रहे हैं। इमेजिन करो अगर इस सारे पैसे को एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों पर स्पेंड किया जाता। यूनाइटेड इंडिया देश इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर कहीं ज्यादा और आगे होता। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड इंडिया को अपने बॉर्डर्स को गार्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो चाइना से थ्रेट आता है वो तो फिर भी एग्जिस्ट करता, लेकिन चाइना जैसा देश भी दो बार सोचता इतने बड़े देश से पंगे लेने से पहले। अगर लोगों की बात करें तो पाकिस्तान के रीजन में रहने वाले लोगों के लिए यूनाइटेड इंडिया के अंडर उनकी जिंदगियां काफी बेहतर होती, क्योंकि जहां एक तरफ इंडिया रिपब्लिक बना साल 1950 में, पहली इलेक्शंस इंडिया में 1952 में कराई गई, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एट वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को सालों लग गए एक कॉन्स्टिट्यूशन तक बनाने में। उनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन साल 1956 में बना, जिसके बाद उसे सस्पेंड किया गया और मार्शल लॉ इम्पोज किया गया। फिर 1962 में जाके एक और कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर से मार्शल लॉ इम्पोज किया गया। फिर 1973 में एक और कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे एक बार फिर से सस्पेंड किया गया और 1985 के बाद रिस्टोर किया गया। एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में इतना समय लग गया, बार बार मिलिट्री कूज देखने को मिले। आज के दिन तक एक भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपनी 5 साल की पूरी टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया है, और डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर सिर्फ 4.31 आउट ऑफ 10 है।
इसे एक हाइब्रिड रिजीम क्लासिफाई किया जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंक 147, जीडीपी पर कैपिटा में पाकिस्तान 144 पर, और इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा। इस सब का कहीं ना कहीं एक कोरिलेशन बनाया जा सकता है रिलीजन से। दुनिया भर में करे गए सर्वेज ने बार बार दिखाया है कि कैसे दुनिया के सबसे गरीब देश रिलीजन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है दुनिया की, वहां पर रिलीजन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। तो पाकिस्तान अगर एक सेक्युलर देश होता तो इन सारे फैक्टर्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती। इसी एक्सट्रीमिज्म की वजह से माइनॉरिटीज को सफर करना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। सिख्स, हिंदू, शिया मुस्लिम्स, अहमदिया मुस्लिम्स के खिलाफ अत्याचार देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो देश में मेजॉरिटी रिलीजन है वो बड़ा खुश रह रहा हो। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, और हमारा इंडिया का गोदी मीडिया इसके बारे में बहुत खबर सुनाता है। पाकिस्तान में बेरोजगारी से युवा परेशान है। पाकिस्तान में बेतहाशा महंगाई देखने को मिली। पाकिस्तान ने अपने देश के लोगों को महंगा ईंधन खरीदने के लिए मजबूर कर दिया है। तो एक चीज ये भी कही जा सकती है कि यूनाइटेड इंडिया में हमारे मीडिया के पास पाकिस्तान जैसा कोई देश नहीं होता जिसकी खबर ये बार बार सुना सकते। शायद तभी अफगानिस्तान के बारे में बात करने लग जाते या ईरान के बारे में बात करने लग जाते, लेकिन थोड़ा सा इन्हें काम के मुद्दों पर ज्यादा बात करनी पड़ती। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में माइनॉरिटीज के खिलाफ अत्याचार नहीं देखने को मिलता है जैसा पाकिस्तान में मिलता है। इंडिया में भी मुस्लिम्स और दलित्स पर अत्याचार होते हैं, हिंदुओं को भी दंगों में मारा जाता है, लेकिन ये इसलिए नहीं होता क्योंकि इंडिया सेक्युलर है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो लोग ये अत्याचार करते हैं वो सेक्युलरिज्म को एक गाली मानते हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इंडिया में भी हमें देखने को मिलता है जिसकी वजह से ये सब होता है। एक बड़ा इम्पैक्ट यूनाइटेड इंडिया का इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी पड़ता। जो पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिक्स करते हैं पाकिस्तान के नाम पर कि हमने पाकिस्तान को आंख दिखा दी, विपक्षी पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलती है, यूनाइटेड इंडिया में ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज और प्रोपेगेंडा फेल हो जाता। तब शायद इन्हें चाइना का नाम लेना पड़ता अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए। जॉर्ज ऑरवेल की लेजेंडरी किताब 1984 में एक फेमस कोट है, वॉर इज पीस। इस किताब में एक ऐसे देश के बारे में बताया गया है जो कॉन्स्टेंटली वॉर पर रहता है बाकी देशों से। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किस देश के साथ वॉर हो रही है, इंपॉर्टेंट ये है कि वॉर हो रही है, हमेशा वॉर होती रहे, क्योंकि वॉर की मदद से ही ये स्पेशल मेंटल एटमॉस्फेयर बने रहता है, सोसाइटी का ध्यान भटके रहता है। जीडीपी की बात करी जाए तो शायद ज्यादा असर ना पड़ता क्योंकि इंडिया का जीडीपी ऑलरेडी काफी बड़ा है पाकिस्तान या बांग्लादेश के कंपैरिजन में। नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस सेंस में जरूर फर्क पड़ता अगर यूनाइटेड इंडिया एक स्टेबल सेक्युलर देश बने रहता तो ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती, एक बड़ा मार्केट बाकी दुनिया को मिलता, और सॉफ्ट पावर जो है देश वो भी कहीं और ज्यादा होती आज के कंपैरिजन में। यूनाइटेड इंडिया बड़ी आसानी से अमेरिका और चाइना के बराबर के लेवल पर होता। अब ये सब सुनकर शायद आपको लग रहा होगा कि काश ऐसा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड इंडिया जैसा देश एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ निराश होने की बात नहीं है दोस्त, ये बात सच है कि हमारे फोर फादर्स इस काम में सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन याद रखिए फ्यूचर हमारे हाथों में है। आने वाले समय में क्या होगा ये हम लोग तय करेंगे। हम पार्टीशन को तो रोक नहीं सके, लेकिन हम रीयूनिफिकेशन को जरूर कर सकते हैं। अगर ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी रीयूनाइट कर सकते हैं, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम रीयूनाइट कर सकते हैं, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश क्यों नहीं रीयूनाइट कर सकते। जब लोग रीयूनिफिकेशन के बारे में सोचते हैं तो वो हमेशा टॉप बॉटम अप्रोच से सोचते हैं। उन्हें लगता है किसी दिन कोई बड़ा लीडर आएगा, कोई महान आदमी आएगा जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को रीयूनाइट कर देगा और चमत्कार हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला दोस्तों। जो बदलाव है वो हमेशा बॉटम टू टॉप जाता है। ये रीयूनिफिकेशन का जो सेंटिमेंट है ये पहले जनता में आना चाहिए। जब जनता ऐसी चीज को सपोर्ट करेगी तो अपने आप कोई ना कोई पॉलिटिशियन निकल कर आएगा जो जनता के बिहाफ पर मुद्दा उठाएगा वोट्स लेने के लिए, और फिर जाके ये पॉसिबल हो सकता है। जैसा आपने देखा इस वीडियो में, पार्टीशन कोई एक दिन में नहीं हो गया था, बल्कि एक बहुत ही लंबा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जो 1875 से लेकर 1947 के बीच में अलग अलग स्टेजेस में हुआ। तो जब हम रीयूनिफिकेशन की बात करते हैं, हमें उसे एक लंबे प्रोसेस की तरह समझना चाहिए। जो स्टेप बाय स्टेप घटनाएं हुई जिसकी वजह से एंड में जाकर पार्टीशन हुआ, हमें स्टेप बाय स्टेप उसका उल्टा करना होगा। माइनॉरिटीज के खिलाफ अत्याचार को खत्म करना होगा, कॉम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म करना होगा, धर्म के नाम पर जो राजनीति करी जाती है उसे खत्म करना होगा, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में नफरत को खत्म करना होगा। और जब तीनों देश, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ऐसा इंटरनली अपने देश के अंदर करने में सक्सेसफुल होंगे, धीरे धीरे इनके बीच में कोऑपरेशन अपने आप बढ़ेगी और रीयूनिफिकेशन फिर एक नेचुरल स्टेप की तरह लगेगा। कुछ इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई थी।
जर्मनी और फ्रांस जैसे देश जो एक समय पर एक दूसरे के बड़े दुश्मन हुआ करते थे, उन्होंने अपने देशों के अंदर इस नफरत को खत्म किया। कोऑपरेशन बढ़ने लगी, यूनिटी बढ़ने लगी और धीरे धीरे जाकर स्टेप बाय स्टेप यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई। कुछ इसी तरीके से एक एशियन यूनियन भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपकी क्या राय है नीचे कॉमेंट्स में लिख के बताइए। और एक चीज याद रखिए, ये नैरेटिव जो है ये बॉटम टू टॉप फैलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो सैल्यूट है ध्रुव राठी को, क्या फैक्चुअल कंटेंट बनाते हैं, अपनी राय दिए बगैर ही फैक्ट्स लाके आपके सामने रख देंगे, फिर आपकी मर्जी आप क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। रीयूनिफिकेशन की टर्म इन्होंने इस्तेमाल की थी, रीयूनिफिकेशन नहीं हो सकती इन कंट्रीज़ की। 75 ईयर्स आज़ादी हासिल करने में लगे और 75 ईयर्स अभी हुए हैं, आज़ाद हुए इन तीनों नहीं दो कंट्रीज़ को। और 1971 में बांग्लादेश सेपरेट हुआ पाकिस्तान से। बांग्लादेश की सेपरेशन एक पाकिस्तानी एक्सेप्ट करता है कि हमारे उस टाइम के पॉलिटिशियंस ने नाइंसाफ़ी की थी बांग्लादेश के साथ, और उनका हक था जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक किया। और आज बांग्लादेश भी इकोनॉमिकली पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ग्रो ही कर रहा है, उसका आने वाला टाइम और ज़्यादा अच्छा होगा पाकिस्तान से। और पाकिस्तान बैकवर्ड जा रहा है और गिरता ही जा रहा है और इसका सोल्यूशन कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। हम आज के दिन में जिए तो खुश है, लेकिन हम आगे की सोचें तो हमें खुद समझ नहीं आ रही एज अ यूथ पाकिस्तान की कि इस कंट्री का क्या बनने वाला है। बिकॉज अभी तक जो हमारे करंट पॉलिटिशियंस हैं वो अपना अपना फ़ायदा सोच रहे हैं और इस मुल्क को खाते जा रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, इस कंट्री से बहुत प्यार है, इस कंट्री के नाम से प्यार है, इसके फ्लैग से प्यार है, इसके नेशनल एंथम से प्यार है, लेकिन इस कंट्री को रूल करने वाली जो पार्टीज़ हैं उन्होंने इतना मजबूर कर दिया है इस कंट्री के यूथ को कि अब हर यूथ का हर बच्चा चाहता है कि वो ये कंट्री छोड़ के कहीं और चला जाए और वहाँ कोई जॉब करे या रहे, अपना घर इस मुल्क से बाहर बना ले। और उसकी वजह यही है कि यहाँ के बच्चे जो डिज़र्व करते हैं उन्हें वो दिया ही नहीं जा रहा। बहुत सारी बातें थी इस वीडियो में और मैं एक भी बात को झुठला नहीं सकता, मैं एक भी बात पे ये नहीं कह सकता कि नहीं यार ये ध्रुव ने गलत बात की है। टोटल फैक्चुअल बातें थी, बट जो हकीकत है वो ये कि ये रीयूनिफिकेशन हो नहीं सकती। होती तो बहुत अच्छी बात होती, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ध्रुव इस तरह की फैक्चुअल बातें करेंगे। उन्होंने कुछ स्टार्टिंग सेकंड्स में बात की थी कि बड़े बड़े म्यूज़िक गुरुज़ दोनों कंट्रीज़ के वो आज एक ही कंट्री में होते, यूनाइटेड इंडिया, और इसी तरह इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बड़े बड़े स्टार्स एक ही टीम में होते। बट ये कुछ हटके वीडियो था। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी अजान का वक्त है तो मुझे खामोश हो जाना चाहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।